प्रेस कॉन्फ्रेंस के साढ़े जिला योजना बोर्ड के चेयरपर्सन मोहाली तो प्रभजोत कौर जी ते अनु बब्बर जी अज बहुत ही एक गंभीर मसले पर तुहाडे नाल गलबात करन जा रही है। पूरा देश इस समय मणिपुर हिंसा के विच बुरी तरह चिंताग्रस्त है कि साढ़े भैन भरावान उत्थे बैठिया नाल की हो रहा। सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान दे फलसफे ते चलण वाला पंजाब साडे गुरुआं पीरां ने पीर पैगंबरां ने सानू इस गल की गुड़ती दिती कि किसे समाज का उदों तक समाज तरक्कियां नहीं कर सकता जदों तक उत्थे दीआं औरतां नू इज्जत नहीं मिलेगी, उन्हां नू पढ़न की ताकत नहीं मिलेगी ते उन्हां दा सशक्तिकरण उदों तक नहीं हो सकता जब तक उत्थों दे जिहड़े राजभाग संभालण वाले आ उन्हां दे मनां दे विच किसी औरत की इज्जत नहीं होएगी। पर बड़े इस तो बिल्कुल उलट केंद्र दे विच सत्ता चाही भारतीय जनता पार्टी इस इरादे ते इस फलसफे दे नाल इस मनसूबे नाल आई सी कि उह केंद्र सरकार दे विच बैठ के पूरे भारत दीआं औरतां नूं बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ दा नारा दे के औरतां दा निजी जीवन औरतों का सशक्तिकरण विमेन इंपावरमेंट वाधा देंगे। जिते लगता सी कि समाज के विच औरत एक नवी तरक्की ते जाणगी पर पता ही नहीं चलिया कि कदों यह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हौली हौली करके 9 सालों के विच ब्रिज भूषण जनता पार्टी बन गई जिस दे विच 9 साल के विच सानू यही पता लग्या समय समय से इन्होंने किसी ना किसी एम पी की किसी ना किसी लीडर की समय समय से जा वीडियो जा टिप्पणी आई कि जिथे सानू पता लगता सी कि एको ही मकसद है कि औरत नू पहरावा किस तरह का रखना चाहिए, औरत नू केड़े रंग के कपड़े ज़्यादा सोहने लगते हैं, जा औरत किस हालात रवे तो वह अपने आप नू तरक्कियां दे राह ते लै सकते हैं। जिथों इन्हां दी पार्टी का समय समय से अंदरूनी खोखलापन नज़र आया उत्थे इन्हां दी औरत प्रति बेकदरी भी नज़र आई। लंबे समय तो जिथे ब्रिज भूषण जनता पार्टी ने ना सिर्फ बिलकिस बानो के दोषियों नूं रिहा करन च मदद की सगो हाथरस वर्गे कांड नूं भी इन्हां ने अंतरराष्ट्रीय साजिश दस के उस बच्ची नूं उस औरत नूं इंसाफ दवाउण दी थां ते एक मजाक दा पात्र बनाया। अज समाज दे विच बड़ी दुविधा है कि जिहड़ा देश तालिबान औरतां ते तशद्दद करदा, औरतां तों सिक्ख्या दा हक खुंदा, औरतां ते हर हथकंडे अपनाउंदा जिथे उन्हां नूं वध तों वध गुलाम बनाया जा सके, अज उसे तालिबान नूं साडी केंद्र सरकार मदद करके सानू धीआं नूं की साबित करना चाहुंदे आ कि असीं किद्दां दा राज लै के आवांगे जां असीं किस तरह दे राज दे विच स्थापित होवांगे। अज 3 महीनों तों 3 मई तों लगातार मणिपुर बुरी तरह अग दे विच सड़ रहा, जिथों इन्हां दे अपने ही रंजन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ने बयान दिता उन्हां दा घर साड़िया, इंटरनेट बंद कर दिता गया। इस तो एक तो गल बिल्कुल सफल तो सिद्ध हो चुकी है कि बीजेपी की सरकार उत्थे लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करन दे विच बुरी तरह फेल हो चुकी है। बड़ी शर्म की गल है मेरे वास्ते ते मेरे छोटे भरावां वास्ते जिहड़े साडे सामने बैठे हैं, क्योंकि पंजाब का बच्चा और इस गल का हामी है कि औरत की इज्जत करना साडा पहला परम धर्म भी है। असी पिछले दो लगातार लंबे समय तो आ थोड़े जे दिनों के दो औरतों की नगन वीडियो खेतों के उस नाल हो रहे समूहिक बलात्कार देख रहे हैं, जिसन कोई ऐसी गल नहीं कि मैं कल्ली देख रही हूँ, सारा समाज देख रहा। तो अख हर इंसान की
शर्मसार हो रही है तो सवाल म कर रही है प्रधानमंत्री जी तो भाई की तुहाडे राज दे विच तुसी जिस मकसद नाल जिस मनसूबे नाल आए सी कि असी बेटियां दी इज्जत बहाल करांगे ये दो तीआं जिहड़ियां खेतां दे विच अपन नगन हालत दे विच अपनी जिंदगी बचाउण दे लई इन्हां दरिंदियां तो जिहड़े देखण नूं तां इंसानी चेहरे लगदे आ पर किसी खूंखार जानवर भेड़िए तो घट नहीं जिन्हां दे वड्डे वड्डे नुकीले दंद तां नहीं है पर वीडियो देखण वाला हर बंदा देख रहा कि यह मेरिया इन्हां धीआं नूं नोच के जरूर खा जाए मेरे इन्हां बच्चियां नूं खिच के धू के ये गिरजा जिहड़ियां साडियां बच्चियां नूं खून खिंजन लगियां होईयां इन्हां नूं देख के जिते हर औरत का दिल दहल रहा जिथे साडे बच्चों का भी पंजाब के मुंडिया का भी दिल दहल रहा भी ये की हो रहा उत्थे साडे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों आ उत्थे साडे गृह मंत्री जी चुप क्यों आ सब तो वड्डी ते हैरानी गल तो यह है जदों इस वीडियो बारे जिस औरत ने आवाज़ चकी उसके परिवार को साड़ दिता तो खिड़कड़ीस के उन्होंने लैके गए उस जगह पर पुलिस वाले मौजूद से मुख्यमंत्री जी वरिंदर सिंह जी पुलिस ज़्यादा तो अंडर होएगी नहीं गृह मंत्री जी दे अंडर तो है ही है सारा कुछ कि तुहानू उन्हां दे चेहरे देख के नहीं पता लग रहा भी पुलिस वाले किहड़े सी मेरे वास्ते अणजाण हो सकते हैं तुहाडे वास्ते अणजाण हो सकते हैं पर कि मैं हैरानी वाली गल यह है कि उत्थों दे डी जी पी वास्ते भी अणजाण आ उत्थों दे लोकां वास्ते भी अणजाण आ अज पूरा देश इस गल का जवाब मंग रहा कि मुख्यमंत्री मणिपुर ते प्रधानमंत्री सिर्फ चुप ना सिर्फ आप चुप आ आप मौन है नाल दी नाल वह इस गल का भी प्रमाण दे रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेट बंद करता कि लोगों की आवाज़ भी बंद कर दी अज जिस गल की समाज के विच चिंता है वह इस गल की है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अज सवेरे सवेरे उन्होंने अचानक गुस्सा दिखाई दिता तो उन्होंने एक बयान भी दिता कि एक एफ आई आर दर्ज हो गई सब तो पहला तो उस एफ आई आर जनतक करो दूसरी गल तुसी कुछ अणपछाते व्यक्तियों पर एफ आई आर करके अपने आप को बरी साबित नहीं कर सकती क्योंकि उस एफ आई आर के बिच उस एफ आई आर के बिच उन्होंने चेहरा जनतक हो रहा तुसी उत्तों के पुलिस थाने तो पुछ सकते हो जे तुसी कह रहे हो भी ये किसी तरह ना झूठ है तुहाडे कोले सारा सोशल मीडिया बैठा तुहाडे कोले सारा सैल आई टी सैल बैठा तुसी सिर्फ तुहाडा आई टी सैल लोकां दीआं धीआं भैणां नूं गंदे मजाक करन दे विच लग्या होया गंदी शब्दावली वरतन च लग्या होया जे कितें तुसी इस चर्च ला दे भी ये वीडियो कित्थों बनी इहदा डिवाइस कित्थे है इहदा सिम किहड़ा तां शायद ये गल ते सानू अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी ना पैंदी लोक दोषियों नूं जल्दी सज़ा मिल जाती अज प्रधानमंत्री जी जिथे पंजाब की हर धी उत्थे भारत की हर औरत तुहाडे तो बार बार सवाल पूछ रही है कि जे तुसी सत्त अठ देशों दे विच विदेशी यात्रा कर सकते हो तो की तुहाडे कोले अजे तक मणिपुर जाण दा टाइम ही नहीं लग्या जां उह धीआं जिहड़ियां खेतां च खड़ीसियां जा रही जिन्हां ने हिंसा दे विच जिन्हां दा बलात्कार हो रहा जां जिहड़ियां उह औरतां जिहड़े उह परिवार सड़ रहे आ तुसी एक बारी कह दो भी साडे उह नहीं है असी उन्हां तों पूरी ते पूरा पूरा पिछा चढ़ाउने आ तुसी तां इन्नी घटिया हरकत कीती कि जिसने ट्विटर अकाउंट ते आवाज़ चक्की तुसी उहदा ट्विटर बंद करवाउण ते जिन्ना जोर लाया उन्ना कितें जोर तुसी दोषियों नूं फड़न ते लाया हुंदा तां शायद भारत दे लोग तुहाडे ते विश्वास कर लैंदे बई जे किसे दे मोदी जी
धी का दर्द तो उ समझ सकता। साढ़े बजुर्गों की कहावत है जिन्हें जड़िया उन्होंने बनिया, धी का दर्द उ समझ सकता जिन्हें धी जम्मी हो, जिन्हें आपके घर के धी हो इज्जत संभाल सकता, उही दस सकता भी धी की इज्जत की है। तुहानू की पता लगे, जिस तन लागे सो तन जाने। अज मैं मोदी जी तो इको गल पूछना चाहगी, एक सवाल करना चाहगी कि सब तो पहला तो इस पर कि जिम्मेवारी, जिम्मेवारी तय करो। जी एफ आई आर तुम लिखी है उन्होंने जनतक करो, जे अणपछाते व्यक्ति है उन्होंने अणपछाते ना रहने दो। वीडियो के सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा, तुहानू नहीं पता लग रहा, थोड़े लोकल थाने वालों पता होगा, पिंड के पंच सरपंचों को पता होगा, उतों जाके पता करो। जे तुम ते को विदेश जाने का समय है तो तुम मणिपुर पहुँचने का समय क्यों नहीं लगे? जे मुख्यमंत्री अजे तक तुम अपने मुख्यमंत्री तो अज तक तुम अपने मुख्यमंत्री तो अस्तीफा क्यों नहीं मंगया? जबकि तुहाडे खुद के राजकुमार रंजन जी ने जो उन्होंने घर साड़िया से उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर के बुरी तरह फेल हो चुके हैं। मैं थोड़े सारे चैनल वाले अगे हाथ जोड़ के अरदास बेनती करती हूँ कि धी चाहे मणिपुर की हो, धी चाहे किसी की भी होरत की इज्जत बराबर है, चाहे वह किसी की भी हो। जे आप इकट्ठे होकर संघर्ष लड़ांगे तो शायद मणिपुर वाली धियां बाकी भी बच जाएगियाँ तो साढ़े घर वाले अग नहीं पहुँचेगी। पर जे आप मणिपुर वाला सोच के चले गए, पंजाब पहला कुछ संताप भोग के हटिया होया तो इस पार्टी के रेंदे ये ब्रिजभूषण भारतीय जनता पार्टी के रेंदे रेंदे ये हालात ऐसे कर देने हैं कि साडे पहलवान रो रहे हैं, कितने साडियां धीआं रो रही हैं। इस पार्टी नूं एकदम नकार के इकट्ठे होकर सारे जने पूरी पंजाब की जनता पूरी भारत की जनता इकट्ठे होकर सवाल पूछिए भी जे तुसी राज करन राज इस करके करना है कि बेटी बचावांगे बेटी पढ़ावांगे तो यह दस दो मणिपुर दीआं धीआं तुहाडीआं धीआं हैगीआं कि नहीं। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। देखो जी अज की जरूरत आ दो धियां नूं इंसाफ मिलना, जिहड़ियां औरतां नूं घड़ीसिया जा रहा। बेशक मैं इत्थे बैठी हाँ जां सारे जणे तुसीं बैठे हो सारे अपने आप ठग्या ठग्या महसूस कर रहे। बाकी जिहड़ी राजनीतिक गठबंधन की गल है वह जदों जदों किसी सत्ता तो कोई दुखी होएगा उदों उदों इकट्ठे होकर लोग तख्ता पलटणगे जरूर।